एवरी वन एंड वेलकम बैक टू दैनल दिसमेंट की हर सेक्शन के लिए क्या स्ट्रेटेजी है इस वीडियो में हम कौन सेक्शन को कवर करेंगे दोनों बाकी की जो वीडियोज हैं वो जब भी पब्लिश होंगी आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक मिल जाएंगे अभी हम स्टार्ट करते हैं कि क्या ऐसे फाइव पॉइंट है

भी आप अभी तक चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हो या जो अब करने जा रहे हो उन सब के फॉर्मूलाज उन सब के कॉन्सेप्ट ट्रिक्स आपने जो भी लर्न किया है उसको आप एक फॉर्मूला बुक में नोट करना स्टार्ट करो ये मैंने अपने टाइम पे भी किया था इनफैक्ट उसी चीज को याद में रखते हुए मैंने एक बुक भी ऑथर की थी जिसका नाम ही है फॉर्मूला बुक जिसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड करके दूंगी आप उसको भी बाय कर सकते हो उसमें सारे फार्मूलाज कंसॉलिडेटेड है बट आई वुड रिकमेंड कि आप अपने फॉर्मूलाज भी जरूर उसमें ऐड करो या एक नोटबुक लगाओ सो so दैट आपको वो याद होते रहे सेकेंड पॉइंट है मॉक टेस्ट का ये वो टाइम मैं जब आपके लिए मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है उसका पर्पस ये होना चाहिए कि आपको जो टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उन्हें अब ट्राई करना स्टार्ट करना है एंड ना कि आपको उनको सॉल्व करना है द डिफरेंस इज जब हम इस माइंडसेट के साथ जाते हैं ना कि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो जब नहीं सॉल्व होता हम डिस्करेज हो जाते हैं इस पॉइंट पे आपने जितना भी सिलेबस कवर कर लिया होगा आपको यह देखना है कि अब उसके बेसिस पे क्या डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन क्वेश्चन एक्चुअल एग्जाम में आता है एंड दैट विल हेल्प यू लर्न क्या ट्रिक्स हैं जो उस टाइम पर आपको जल्दी सॉल्व करने में हेल्प करेंगी सो एजेंडा इज आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो एंड उससे सीखो फिर उन लर्निंग्स को फर्स्ट पॉइंट में जो फॉर्मुला बुक डिस्कस की थी उसमें नोट करते जाओ थर्ड पॉइंट है ब्लॉक सिस्टम का सो so अभी तक आप किन ब्लॉक्स में ऑपरेट कर रहे हो कि अरिथमेटिक एल्जेब्रा ज्योमेट्री नंबर और मॉडर्न मैथ ब्लॉक्स होते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। लेकिन अब से आप जिस तरह से प्रेपरेशन करना चाहोगे अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो दैट शुड बी स्ट्रेंथ वीकनेस एंड न्यूट्रल एरियाज। कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जो अरिथमेटिक पूरा जो ब्रॉडर बकेट है उसके अंडर

लॉक सिस्टम बनाते हो कि ये चैप्टर्स मेरी स्ट्रेंथ है तब जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे आप उन चैप्टर्स से स्टार्ट करोगे तो इस टाइम पे आपका मेजर एजेंडा जो होना चाहिए वो ये कि आप उन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना शुरू करो जो या तो न्यूट्रल एरियाज हैं या आपकी स्ट्रेंथ है प्लस उनकी वेटेज भी एग्जाम में ज्यादा है जिसका मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रही हूं कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनकी वेटेज ज्यादा है इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं जिस बुक को यूज कर रही हूं ईयर पेपर उनके बुक के स्टार्टिंग में दे रखा है इसमें उन्होंने मेन जो टॉपिक्स होते हैं अरिथमेटिकल जेब्रा उसके बेसिस पे डिवाइड करके दिया है कि हर ईयर में कितने क्वेश्चन आए थे आप इसके साथ साथ एक पी मैं अटैच करूंगी डिस्क्रिप्शन में उसको भी यूज कर सकते हो जिसमें ना सिर्फ पूरे ब्रॉडर

इसलिए क्वांट अ सेक्शन जिसमें मुझे सिर्फ परसेंटाइल क्लियर करना जरूरी था जैसे जो टॉप आई एम्स वगैरह होते हैं हो, उसमें 80 या 90 परसेंट का हर एक का अलग अलग होता है बट एक कट ऑफ होता है कि उसके ऊपर अगर नहीं आती आपके हर सेक्शन में परसेंटाइल देन आपका एडमिशन नहीं हो सकता सो so, मेरे लिए क्वांट सेक्शन एक ऐसा सेक्शन था जो मेरी पर्सन को बूस्ट नहीं कर सकता था बट वो कट ऑफ क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था सो so, जब मैंने प्रिपेयर किया तब मैंने अकॉर्डिंगली उस सेक्शन पे उतना ही एफर्ट डाला जितना जरूरी था मैंने कॉन्ट सेक्शन को ऑलमोस्ट हर दिन दो दो घंटा दिया है बिकॉज मुझे उस वीकनेस को उतना तक लेके आना था कि वो कट ऑफ क्लियर हो जाए बट एट द सेम टाइम मुझे उतना स्ट्रेच नहीं करना था कि वो मेरी स्ट्रेंथ बन जाए बिकॉज उसमें बहुत बहुत एफर्ट एफर्ट लग जाता मुझे पता था कि DILR फिर भी मेरी स्ट्रेंथ है सो so सो मैंने उस डबल डाउन करते हुए बहुत डाला बिकॉज दैट बूस्टेड आपको इस पॉइंट पर वैल्युएट करना पड़ेगा कि इन तीनों सेक्शन में से आपकी स्ट्रेंथ कौन सी है एंड अकॉर्डिंगली कितना टाइम आपको देना चाहिए उस सेक्शन को आई वुड रिकमेंड जो भी सेक्शन आपकी ज्यादा बड़ी स्ट्रेंथ है उस पर इनफैक्ट आप ज्यादा टाइम दो और जो सेक्शन आपकी वीकनेस है उस पर टाइम दो बट नॉट विद द इंटेंशन कि आपको उसको परफेक्ट बनाना है विद द इंटेंशन आपको उस पॉइंट पे लेके आना है जहां वो कट ऑफ क्लियर कर पाए द फाइनल पॉइंट इज मेकिंग अ शेड्यूल फॉर येल यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं वो क्या करते हैं डेली एक टाइम टेबल बनाते हैं डेली टाइम टेबल बनाने से जब आपका वो पर्टिकुलर डे का टारगेट मिस हो जाएगा तो आपका एकट होता रहेगा कि मुझे कितना कंप्लीट करना है एक जो स्ट्रेटेजी है जो मैंने फॉलो की थी एंड काफी अच्छे से वर्क की थी कि मैंने पूरे सिलेबस को वीकली टारगेट्स में डिवाइड कर दिया था अब मान लो आप हर चैप्टर के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस नोट कर लेते हो कि भाई पूरा सिलेबस ही इतना है और आपको पता है कि आपके टोटल नंबर ऑफ वीक्स कितने पेंडिंग है एग्जाम के लिए उसमें से आप कुछ वीक्स ऑफ कोर्स रखो क्योंकि सिलेबस आपको पहले कंप्लीट करना चाहिए तो आप क्या करोगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन या चैप्टर्स को डिवाइड कर लो इन द नंबर ऑफ वीक्स दैट यू हैव उससे आपको एक वीकली टारगेट मिल जाएगा कि मुझे इस वीक के अंदर इतना सिलेबस कंप्लीट करना है इसका मैं आपके सामने एक सैम्पल भी शो कर रही हूँ जिसको आप दो या तीन महीने के अंदर कवर करने का ट्राई कर सकते हो आप वीक वाइज उस शेड्यूल को बनाओ कि आपको एक वीक के अंदर कितने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं हैं उसके कितने नंबर ऑफ करने एंड उसको फॉलो करो सो दिस इज ब्रॉडली हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर द क्वांट सेक्शन कुछ ऐसे टिप्स जो आपको इस टाइम पे हेल्प कर सकते हैं इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है चाहे किसी भी सेक्शन के रिलेटेड हो जस्ट पुट इट डाउन इन द दमेंट सेक्शन एंड वी कैन टेक इट अप थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द नेक्स्ट टाइम